वेलकम टू समीर फिगेशन। आज हम देखेंगे कि जो न्यू क्लासिक 350 है और जो ओल्ड यूसी इंजन वाला ही क्लासिक है या बुलेटिको की इंजन सब में सेम था 350 सीरीज में, उनमें वाइब्रेशन में कितना डिफरेंस आया है। और तो सबको पता है कि काफ़ी रिफाइंड कर दिया इन्होंने जो न्यू क्लासिक 350 है, बट हम यहाँ पे एक ट्विस्ट रखेंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर रखकर देखेंगे कि किसमें कितना वाइब्रेशन फील हो रहा है, फुटपैक पे, टैंक पे एंड पिलियन सीट पे, जो भी हम जहाँ पे टच पॉइंट होता है जहाँ पे बैठते हैं। आइए ये वीडियो करते हैं। मैं हूं अभी अंजलि रॉयल इनफील्ड डीलरशिप पे और डिटेल नीचे मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी बाइक से रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ये कौन सी बाइक पे कितना वाइब्रेट होता है। मेरे सामने जो बाइक खड़ी है ये यूसी इंजन के साथ बुलेट 350 ES है और आप देख सकते हैं इंजन इसका, और ये बुलेट 350 है। पहले इस पे रखकर देखेंगे कि कितना वाइब्रेट हो रही है, एंड देन जो नई क्लासिक 350 आई है 2021 वाली, उस पे रखकर देखेंगे कि कितना दोनों में डिफरेंस है और वीडियो का कंक्लूजन बताएंगे। तो आइए पहले हम इसको सीट पे रख के देखते हैं, राइडर सीट पे, और बाइक को स्टार्ट करेंगे कि कितना वाइब्रेट होता है। पहले तो मैं एक पैरेलल सरफेस देख लेता हूँ कि पानी कहाँ पे नहीं गिरेगा। आप देख सकते हैं पानी पूरा भरा हुआ है और ये है कुछ सीन। हल्के में स्टार्ट करियो, पानी गिरे ना, ठीक है, रेस मत दियो पहले, एक मिनट। चल छोड़ दे, तो देख सकते हो आप ये ES है, बुलेट 350 ES, जिसमें यूसी इंजन आता था, 19.2 BHP और 28 Nm टॉर्क वाली, और इस तरीके से इसका कुछ कंसोल। और आप पानी देख सकते हैं ये आइडल है, कोई भी रेस नहीं दे रहे हैं हम इसको, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप पानी देख सकते हैं कितना वाइब्रेट कर रहा है। अब हल्का हल्का रेस देंगे और देखते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार RPM तक, इतना ठीक है, क्योंकि नई बाइक है, खड़ी बाइक है, ज़्यादा रेस देना भी ठीक नहीं रहेगा, बाइक को अब्यूज़ करना हो जाएगा वो। अब इसको पिलियन सीट पे रख कर देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा वाइब्रेशन है ऑफकोर्स, क्योंकि ये टेल होता है, एंड होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कितना हिल रहा है, तो एक दो बूंद आ भी रही है ऊपर, एंड यहाँ की वाइब्रेशन आपको पता लग गई है। अब एक बार टैंक पर भी देखेंगे, हाथ लगा दे नीचे हल्का सा, रेस दे हल्का हल्का, तो आप देख सकते हैं पानी का जो ग्लास है वो नीचे आ रहा है। अब चलते हैं क्लासिक 350 पे। ये है 2021 वाली न्यू क्लासिक 350, जिसमें इन्होंने जे सीरीज़ का इंजन डाल रखा है, जो मीटियोर 350 में भी आता है। इससे पहले आपने यूसी इंजन का टेस्ट देखा था, जो कि ये वाली थी ES। अब देखते हैं कि इसके साथ ये वन ग्लास ऑफ वाटर कैसे सरवाइव करता है, कितना वाइब्रेट होता है, और इसकी सारी जो भी बाइक्स आप देख रहे हैं इनकी फुल वीडियो नीचे लिंक मिल जाएगा और वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको रखते हैं सेंटर में पैरेलल एकदम, और कुणाल मेरे सामने बाइक स्टार्ट करेगा, आइडल पे देखेंगे कितना वाइब्रेट ये कर रही है। हाँ ठीक है, ऑन कर, ये तो ज़्यादा हिल रहा है। एक्चुअली वही है ना, बाइक नई होती है ना, इनका RPM ज़्यादा होता है, तो आप देख सकते हैं कि रेस देने पर कम मिलेगा। आप देख सकते हैं कि पानी कितना हिल रहा है, और ये मैंने राइडर वाली सीट पे पानी का ग्लास रखा है, और बाइक आइडल है, कोई हम रेस नहीं दे रहे हैं, आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें फ्री हैं एकदम, और पानी इतना हिल रहा है, कम हो गया थोड़ा सा। अब हल्का हल्का रेस देंगे 1000 RPM, 1500 RPM और 2000 RPM पे। देख, मैंने बोला ना ज़्यादा देंगे तो नहीं हिलेगा, देखो रेस देखो अब, चल एकदम सीधा हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वाले इंजन की रिफाइनमेंट कितनी बढ़ गई है, कितनी स्मूथ हो गई है, पानी का जो वही है ना ऊपर का लेवल है एकदम पैरेलल हो जा रहा है वो, ये देखो आप, ये आइडल पे हिल रहा है और रेस देने पे नहीं हिल रहा। बेहतरीन। अब देखते हैं पिलियन सीट पे,
ये आइडल पे इतना हिल रहा है। तो ये था पिलियन सीट पे जो कि एकदम ना के बराबर हिल रहा है और एकदम स्मूथ यहाँ पे आ रही है, जो रिफाइनमेंट है। बाकी आप टैंक पे देखो कि टैंक पे सबसे ज़्यादा अभी मेरे को लग रहा है कि जो आइडल पे जो सबसे कम हिल रहा है वो टैंक पे हिल रहा है। अब आप टैंक पे देखना, नहीं आएगा वो, आएगा कि यहाँ ढलान है ना, इस वजह से आ रहा है वो। बस यहाँ पे ना ऐसे उंगली लगा ले ताकि ढलान से नीचे ना आए। अरे ऊपर देखो ना आप कितना हल्का हल्का आ रहा है, इतने उसमें तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर छलक कर आ जाएगा। चलो बेहतरीन बेहतरीन, बंद कर दे। तो ये तो थी इंजन रिफाइनमेंट की बात, मैं वीडियो एंड करना भूल गया, अभी मेरे को याद आया मैंने वीडियो एंड ही नहीं करी है। देखो IC इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, तो इतनी वाइब्रेशन रहेगी, नहीं तो फिर वो इलेक्ट्रिक बाइक ले लो आप, रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लो, अगर एकदम जीरो वाइब्रेशन एंड जीरो नॉइज चाहिए तो। और कंक्लूजन पर आए तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, वो UC इंजन है, एक जनरेशन नया इंजन है जो अभी न्यू क्लासिक में आ रहा है, तो ऑब्वियसली रिफाइंड तो रहेगा ही ना, तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। और आपको कैसी लगी क्लासिक 350, अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो हमें कमेंट करके बताइए, कोई और वीडियो चाहिए तो भी बताइए, उसको हम शूट करेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दिएगा, यहाँ पे आपको ऑटोमोटिव कंटेंट मिलते हैं। थैंक यू।